यूपी में कांग्रेस के किसान पॉलिटिक्स, कांग्रेस का किसान जन जागरण अभियान शुरू होने वाला है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस अभियान को शुरू किया है, जहां किसानों के मुद्दे पर प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश का अन्नदाता हमारी पहली प्राथमिकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को लेकर अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस कवायद को शुरू कर रही है, अपनी अगली रणनीति को तैयार कर रही है और इसी के तहत किसान पॉलिटिक्स की शुरुआत अब कांग्रेस ने यूपी में कर दी है, जहां पर लंबे समय से यूपी पर अपना फोकस बनाए हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, और इसी दौरान उन्होंने किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जहां पर किसानों के मुद्दे को लेकर एक तरफ सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ प्राथमिकता किसानों की अपने लिए बताई है। कहा है कि हमारी सरकार जो है, हमारी जो पार्टी है, वो किसानों को पहली प्राथमिकता देगी, तो अन्नदाता हमारी पहली प्राथमिकता है और उनके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि किसानों को लेकर हमेशा से ही राजनीति होती हुई आई है और एक बार फिर से अब किसानों को लेकर एक अभियान कांग्रेस का, जहां पर किसानों को अन्नदाता करार दिया और पहली प्राथमिकता बताया गया। तो ट्वीट यहां पर किया गया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान जनजागरण अभियान शुरू किया है और देश का अन्नदाता ही हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ हर मोर्चे पर छल किया है। आज किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, खेती की लागत बढ़ गई है। तो छल किया क्या है सरकार के जरिए यूपी में, और ऐसे में हमारी जो प्राथमिकता है किसान है और उन्हीं के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसी के तहत ये किसान जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है।